हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मे सिंपल सो वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर फोर्थ ऑफ अप्रैल 2019 तो नाइनटीन चार अप्रैल 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे बिफोर वी स्टार्ट दोज हु वांट टू टेक द पीडीएफ फॉर पीआईबी और द हिंदू दे कैन गेट इट फ्रॉम द लिंक्स अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो तो जिनको भी पी चाहिए वो लिंक्स दी हुई हैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह तो यू कैन टेक द पी डी एफ फ्रॉम देयर एंड थैंक्स फॉर शोइंग ग्रेट लव टू अस ओके सो थैंक्स फॉर दैट let's start with the questions first the first is mukundra hill tiger reserve is located in which of the following state akhwa tanaki mukundra hill tiger reserve is the same state we located her options are a Andhra pradesh बी तमिलनाडु सी राजस्थान या डी गुजरात क्वेश्चन नंबर टू इज अ डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पासेज ऑफ तो ज्वाइंट सिटिंग इनमें से कौन कौन से केसेस में लग सकती है ऑप्शन आर वन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन सेकेंड मनी बिल थर्ड कंस्टिट्यूंट अमेंडमेंट बिल तो आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट कोड ऑप्शन आर ओनली टू एंड थ्री ओनली वन एंड थ्री ओनली या वन टू एंड थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैस्ड तो यहाँ पे प्रोसेस दी गई है अमेंडमेंट प्रोसीजर आर्टिकल थ्री थ्री सिक्सटी टू सिक्सटी एट ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल सेवेंटी फोर प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल थ्री सिक्सटी फाइव या इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल टू सिक्सटी फोर इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैजड है सो दीज आ द थ्री क्वेश्चन फॉर यू टूडे प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो Now friends let's start with the news analysis part. The first news is RTI scrutiny will ruin the judicial independence. This is what judiciary is saying that. Now what happened is that आपको एक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस आर्टिकल में मिलेगी देखने गी और समझने के लिए uh, जो मैंने सीखी मैं वो भी आपको बताऊंगा so, तो पहली चीज तो आर के बारे में आपको सबको पता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है आप किसी भी विभाग के बारे में जानकारी ले सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको पता है आर के बारे में अब आर एक्ट कब आया था यह भी आपको पता है है ना सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इसमें जुडिशरी इंक्लूडेड नहीं है जुडिशरी को अभी इससे इंडिपेंडेंट रखा गया है जुडिशरीज इंडिपेंडेंट ऑफ द आरटीआई। मतलब अगर आप कोशिश करें कि कोलिजियम के बारे में या आप इन सब की फंक्शनिंग के बारे में कोई आरटीआई अपील करिए तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी बेस्ड ऑन द ग्राउंड दैट जुडिशरी इज नॉट इंक्लूडेड इन द आर अब सी का ऐसा नहीं मानना है सी आई सी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसका यह मानना था दैट जुडिशरी शुड बी इंक्लूडेड इन दैट ओके जुडिशियरी शुड बी इंक्लूडेड इन द या फिर जो जुडिशरी की पूरी फंक्शनिंग है कॉलिजियन की फंक्शनिंग है दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द आर ओके अब ये आर के जो ये ये डिसीजन था सी का सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का वो डिसीजन उन्होंने 2009 में लिया था दे टू द डिसीजन इज इन 2009 2009 में उन्होंने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी उसके अंदर आएगा उसकी फंक्शनिंग के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी अब देखो अब जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा ये वही आंसू आने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन के अगेंस्ट जो अपील की थी वो दिल्ली हाई कोर्ट में की थी दे अपील्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सीआईसी इन द दिल्ली हाई कोर्ट तो आप ये चीज़ भी कभी आपसे कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट कैन अपील इन हाई कोर्ट तो उसको ये सोच के मत इग्नोर कर देना कि ऐसा नहीं हो सकता तो यहाँ साफ साफ लिखा है सुप्रीम कोर्ट अपील इन द डेली हाई कोर्ट अगेंस्ट द सीआईसी वर्डिक्ट वर्डिक एंड यहाँ पे जो हाई कोर्ट है उसने डिसमिस कर दी उस अपील को तो हाई कोर्ट कैन डिसमिस द अपील ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल तो ये भी बहुत बड़ी बात है ओके okay, तो ये चीजें हुई देन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन के खिलाफ खुद के ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की देन सुप्रीम कोर्ट अपील्ड अगेंस्ट द डिसीजन इन सुप्रीम कोर्ट सेल्फ और उसके बाद भी तीन जजमेंच कमेटी बनाई गई जिसने की बोला कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी तो कंस्टिट्यूशनल बेंच के बारे में बता देता हूँ आपको कंस्टिट्यूशनल बेंच जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट की ऐसी बेंच होती है जिसमें पाँच से ज्यादा मेम्बर हो मेंबर की जो कमेटी होती है बेसिकली मिनिमम फाइव जज बेंच जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाती है सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट ऑल्सो तो अभी डिसीजन पेंडिंग है और अभी डिसीजन लेना बाकी बाकी है तो ये पूरा इशू है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कोलिजियम के बारे में आप सबको पता है देखो कोलिजियम क्या होता है जो प्रोसेस होती है सुप्रीम कोर्ट के जजे और हाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने की इलेक्ट करने की वो बेसिकली कोलिजियम के थ्रू होती है इसमें तीन इंपॉर्टेंट केसेज हैं उनके बारे में बता देता हूँ दर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड दिस कोलिजियम सिस्टम एंड इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है फर्स्ट जजेस केस से द फर्स्ट जजेस केस स्टार्ट वॉज देयर इन नाइनटीन 1981 एज पर तो ये याद रखेगा लक्ष्मीकांत में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 1982 शायद लिखा हुआ मिलेगा बट अगर आप इसको फिर से गूगल करिएगा फर्स्ट जजेस केस वाज इन 1981 आप से इसको याद रख सकते हैं इस इस समय यह था, था कि एग्जीक्यूटिव जो थे वो अपॉइंट करते थे उनका सिलेक्शन होता था बेसिकली एग्जीक्यूटिव वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियरी बट जो सेकंड जजेस केस आया जो कि 1993 में आया इन द सेकंड जजेस केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नाउ यू हैव टू टेक द कंसल्टेशन एंड दैट कंसल्टेशन शुड बी कॉन्ग्रुएंस ओके मतलब कि आपको वही करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं उनको आपको उसमें लेना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए तो उस समय जो कोलिजियम बना था वो वन प्लस टू का बना था मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक तो चीफ जस्टिस दूसरा उनके साथ दो सीनियर मोस्ट जजेस बट फाइनली 1998 में जो टर्म कोलिजियम था वो बेसिकली पॉलरिटी ऑफ जजेस को इंक्लूड किया और उसमें चार सीनियर मोस्ट जजेस को इंक्लूड किया गया ओके वन प्लस फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओके okay? ये याद रखिएगा सो द दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस सी आई सी आर टी आई मैंने कोशिश की है कि आपको सब चीज़ बता दूँ तो मैंने हिस्ट्री भी आपको बता दी है कि थ्री जजेस केस कौन कौन से थे 1981, 1993, फिर 1998 ये तीन जजेस केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ स्काईमेट इज एक्सपेक्टिंग अ बिलो मानसून बिलो नॉर्मल मानसून ये सेकंड न्यूज़ है स्काईमेट के बारे में बता देता हूँ स्काईमेट इज़ बेसिकली अ प्राइवेट वेदर फोरकास्टर याद रखेगा स्काईमेट इज़ अ प्राइवेट वेदर फोरकास्टर स्काईमेट का क्वेश्चन पूछ के यूपीएससी आपको ऑप्शन क्या क्या दे सकते सब, तो यहाँ पे बहुत लोग नहीं पताइमेट तो क्या है तो नॉर्मल से कम मानसून होता है तो नॉर्मल से ज्यादा मानसून होता है, होता है, तो El, तो होता है okay? सारे फैक्ट बिल्कुल आपको पता होने चाहिए आपके टिप्स होने चाहिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड न्यूज इज is that एम एज डिमांडिंग हायर जी डी शेयर इन हेल्थ केयर तो आई एम कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो बोल रहा है कि हमको जीडीपी में शेयर ज्यादा दो हेल्थ केयर को क्यों ज्यादा दो क्योंकि आप सबको होता है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है इंडिया में रिसर्च डेवलपमेंट बहुत कम है हम नई मेडिसिन नहीं खोज पा रहे हैं हम हेल्थ सेक्टर में काफी कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में बहुत ज्यादा है एंड आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका बेसिकली डेवलपमेंट कब होता है जब उसको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपर उसका स्किल डेवलपमेंट और प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए तो हेल्थ इज वन ऑफ द वेरी पैरामीटर फॉर मेकिंग आदमी को आप एक यूजफुल रिसोर्स में तब कन्वर्ट करते हो जब आप उसको एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ तीनों प्रोवाइड करो फॉर दैट रीजन आई एम एज से हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर फ्राम वन पॉइंट टू परसेंट ऑफ द जी डी पी टू टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द जी डी पी बाय फाइव ईयर्स आप पांच साल के अंदर ये करो एंड वन सब सेंटर फॉर एवरी टेन थाउजेंड पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज एंड सेमी अर्बन एरियाज एंड फाइव थाउजेंड इन एवरी रूरल एरिया चीज चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर uh, को इम्प्रूव करने की जरूरत है मैन पावर को इम्प्रूव करने की जरूरत है ये हेल्थ केयर हेल्थ सेंटर्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है एंड ये सारी चीज़ें उन्होंने इस आर्टिकल में कही है तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको इससे ये भी पता चलता है कि क्या, क्या चीज़ों की कमी है इंडिया के हेल्थ सेक्टर में ये भी आपको समझ में जाएगा लाउड रोअर फॉर टाइगर कंजर्वेशन यहाँ पे एन के एन के बारे में बता देता हूँ आपको टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड बॉडी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बोलते हैं बेसिकली टाइगर टास्क फोर्स बनी थी 2005 में देखो ये चीज़ें नहीं लिखी इसमें लेकिन मैं आपको अपने से बता रहा हूँ कि 2005 में टाइगर टास्क फोर्स हुई थी जिसके रिकमेंडेशन के बाद एन को दो हज़ार में बनाया गया ओके सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो टू थाउजेंड में इसको बनाया गया फाइनली कंप्लीट किया गया अब याद रखिएगा जन टी आता है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू के अंतर्गत आता है और इसके अभी जो चेयरमैन रहते, रहते हैं वो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ एम ई एफ सी सी रहते हैं मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसके अंतर्गत ये बॉडी है स्टैट्यूटरी बॉडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है याद रखेगा एक्ट मैंने आपको बता दिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी टू और ये टाइगर सेंसस कंडक्ट करता है एवरी एवरी फोर ईयर तो हर चार साल में ये एक बार टाइगर सेंसस भी कंडक्ट करता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज़ मेक श्योर रिमेंबर दैट यहाँ पे एक एक Uh, नाम है आपको दिख रहा होगा कि तड़ोबा आंध्री कवल टाइगर रिजर्व तड़ोबा आंध्री जो बेसिकली टाइगर रिजर्व है ये आपका महाराष्ट्र में है तो तड़ोबा आंध्री का नाम याद रखेगा और इसकी लोकेशन याद रखेगा कि इट इज़ इन महाराष्ट्र तो ये भी आपको फैक्ट याद रहेगा है ना आई होप आपको क्लैरिटी आती जा रही है थोड़ा लेट हो जाता है न्यूज़ विज़ क्योंकि राइट नाउ थोड़ा थोड़ा सा टाइम क्रंच चल रहा है मेरे पास बट न्यूज़ तो आएगी वो दिन में आए रात में आए सुबह आए शाम में आए तैयार रहना है ना पढ़ लो तो भी पढ़ लेना नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत ही नहीं है थर्ड वर्ल्ड इरीगेशन फोरम यहां पे आपको दिख रहा होगा थर्ड वर्ल्ड इरीगेशन फोरम यह मीट कहां होने वाली है यह बाली में होने वाली है बाली कहां पर है इंडोनेशिया में तो थर्ड वर्ल्ड इरीगेशन फोरम अगर आपसे कोई पूछे डब्ल्यू आई एफ थ्री क्या है इफ समन यू वॉट इज डब्ल्यू आई एफ थ्री यू विल से वॉट इट इज थर्ड वर्ल्ड इरीगेशन फोरम या फिर कोई पूछे कि थर्ड वर्ल्ड इरीगेशन फोरम कहां होने वाला है तो आप बोलोगे इट इज इन इट विल बी हेल्ड एट बाली इन इंडोनेशिया तो बाली कहां पर है? इंडोनेशिया

एयर पोल्यूशन शॉर्ट the द लाइफ स्पेन बाय थर्टी मंथ शॉर्ट एंड लाइफ स्पेन बाई थर्टी मंथ तो तीस महीने से ज्यादा कम कर दिया है जिंदगी को एयर पोल्यूशन इस एयर पोल्यूशन ने तीस महीने से ज्यादा अपनी लाइफ को कम कर दिया है अब यहाँ पे एक रिपोर्ट का नाम है जो तो फैक्ट भी मैं निकाल के आपको दे ही दूंगा द रिपोर्ट्स नेम इज स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 थाउजेंड नाइनटीन किसने लिखी है किसने निकाली है कौन पब्लिश किया है याद रखिएगा हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एच ई आई द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड इसने निकाला है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 कौन निकाला है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट इसने निकाला जिसने कहा है कि फीस महीने से कम हमारी जिंदगी हो चुकी है वेरी इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे कुछ चीजें और है जैसे कि इंडिया इंडिया इन एयर पोल्यूशन इज द थर्ड हाईएस्ट कॉज ऑफ डेथ एमंग ऑल हेल्थ रिस्क मतलब डेथ के कारणों में हेल्थ केयर में इंडिया में एयर पोल्यूशन तीसरे नंबर पर तीसरी सबसे अधिक जाने जाती हैं वो हेल्थ से केयर जा, से जाती हैं Okay. और स्मोकिंग से भी ऊपर इसकी रैंक आती।, आती है स्मोकिंग से ऊपर इसकी रैंक आती है एयर पोल्यूशन की दूसरी चीज की इंडिया में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे भी एयर पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए जैसे कि प्रधानमंत्री मंत्री उज्ज्ला योजना उज्ज्वला योजना जो थी वो हाउस होल्ड में एलपी जी के लिए थी तो उसका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं हेल्थ केयर से ही था क्योंकि बहुत लोग जो चूल्हा चूल्हे से जो लगाती थी फूकती थी फिर लकड़ियां जलाती थी उनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा था उसके बाद हमने भारत स्टेज सिक्स की तरफ मूव करने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी कदम उठाए हैं भारत स्टेज थ्री हमने पूरा ब्लॉक कर दिया है स्टेज फोर पर हमारे

सीरियस सेटबैक ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कल मैंने आपको एक आरबीआई के सर्कुलर के बारे में बताया था जिसमें मैंने बोला था कि 2000 करोड़ से ऊपर की जितने भी लोन है उसके लिए आरबीआई ने बोला है कि बैंक्स को छः महीने का समय दिया जाएगा एक दिन के अंदर ही उनको स्ट्रेस्ड एसेट घोषित कर देना है प्लस आपको छः महीने के अंदर एक रेजोल्यूशन प्लान बना लेना है रिजोल्व कर देना है अगर आप छः महीने के अंदर उसको रिजोल्व नहीं कर पाते यानी कि एक दिनों में आप उसको रिजोल्व नहीं कर पाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे आप ये करेंगे कि आप उसको इंसॉल्वेंसी कोर्ड में डाल देंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड में डाल देंगे लेकिन फिर मैंने कल आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्कुलर को क्वेश कर दिया है ये आर्टिकल एक यही चीज़ बता रहा है कि ये एक सीरियस की, जैसे कि S4A या फेल हो रही कहीं कही ना कहीं ये पूरी तरीके से पैसे वापस नहीं ला पा रही थी फिर जब ये सर्कुलर आया उसके बाद काफी ज्यादा जल्दी जल्दी ये सब स्ट्रेस असेट एक दिन में घोषित होने लगे 2000 करोड़ से ज़्यादा के जितने भी लोन थे उनको रिकवरी उनकी फास्ट हो गई और इंसॉल्वेंसी कोर्ट में डालने के बाद उनकी इंसॉल्वेंसी भी हो गई तो काफ़ी ज़्यादा उनसे बेनिफिट मिल रहा था बट अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको ब्लॉक कर दिया है देन दिस इज़ नाउ बिकमिंग अ सीरियस सेटबैक एंड अब जो है बेसिकली फिर से वही बैंक्स और डिफॉल्टर्स का नेक्सेस बढ़ जाएगा ये सारी चीज़ें हैं अभी तक क्या था कि एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स नहीं हो रही थी एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स का मतलब ये है कि आप एक बार लोन फेल कर रहे हो तो आपको बार बार लोन मिलता जाए दैट इज नोन एज एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन मतलब आपको लोन बार बार दे दिया जाए उसको एवरग्रीन करते दे जाए बट अब फिर से वो चीज़ शुरू हो जाएगी क्योंकि अभी तो बंद थी लेकिन अब फिर से वो चीज़ शुरू हो जाएगी और एक क्रेडिट डिसिप्लिन बनने लगा था क्रेडिट डिसिप्लिन बनना मतलब कि जो दूसरे लोग ये चीज़ देख रहे थे वो भी ज़्यादा एक्टिवली लोन पे करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि अगर छह महीने में रिजॉल्व नहीं हो पाया तो हमको इंसॉल्वेंसी में डाल दिया जाएगा हमारी कंपनी का वो पूरा इधर उधर बेच दिया जाएगा तो ये सारी चीज़ें थी नर बी का जो सर्कुलर है वो रेजोल्यूशन कर पा रहा था पॉजिटिवली बट अब जो है वो फिर से वो क्वैश कर दिया गया देर फोर इट इज कॉल्ड अ सीरियस सेटबैक और रीपेमेंट में फिर से दिक्कत होगी एंड ये सारी चीजें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। प्रूविंग अ पॉइंट ऑन ऑडिट ट्रेल नाउ ये आर्टिकल जो दिया गया है बेसिकली ईवीएम और वी वी पैट दिया गया है अब आप सबको पता है कि हर पार्टी जब भी चुनाव हार जाती है तो ये कहती है कि ईवीएम गलत थी ईवीएम रिग्ड थी और आपका वोट मैंने किसी और को डाले थे वो जा कहीं और रहा था ये सारे क्लेम आप सुनने सुनना शुरू कर देंगे बट ये आर्टिकल जो लिखा गया है एस वाई कुरैशी का उन्होंने ये कहा है बेसिकली कि ऐसा बिल्कुल नहीं है निज़ामाबाद में 185 कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें भी की जा रही हैं कि एक साथ सारी ई को जोड़ के उन्होंने कहा है कि वोटिंग कराई जाएगी और उसके बाद उसमें लगभग छब्बीस हज़ार आठ सौ बीस बैलेट यूनिट्स का यूज़ किया गया टू थाउजेंड टू थाउजेंड टू थाउजेंड 240 कंट्रोल यूनिट्स और ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड का यूज़ किया गया और ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली इस आर्टिकल में कि ईवीएम जो है दैट इज अ वेरी एफिशिएंट मेथोडोलॉजी ईवीएम बहुत एफिशिएंट है और ईवीएम सबसे ज्यादा इसकी एफिशिएंट एफिशिएंट बात क्या है कि ये रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर कर देता है पहले क्या होता था रिजल्ट डिक्लेरेशन बहुत टाइम लगता था काउंटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था अब ईवीएम के आ जाने के बाद से काफी कम समय लगता है दूसरी चीज मैंने आपको उस दिन ही बताई थी कि मास रिगिंग जो मास रिगिंग होती है क्यों क्योंकि ईवीएम क्या करता है कि आपको एक मिनट में केवल आप पांच वोट ही डाल सकते हैं एक मिनट में केवल पांच वोट डाल सकते हैं ईवीएम में है ना तो इस कारण से क्या होता है कि अगर मान लो दस मिनट के लिए भी अगर आपने हैक किया किसी बूथ को पुलिस आने से पहले अगर दस मिनट भी हैक किया तो आप कितने वोट डाल पाओगे केवल और केवल पचास वोट ही आप इधर उधर डाल सकते हो लेकिन पहले जब बैलेट यूनिट्स होती थी तो पूरी की पूरी पेटी चेंज हो जाती थी पूरी के पूरे वोट एक साथ एक मिनट में चेंज हो जाते थे है ना तो ईवीएम के आ जाने के बाद ये मास रिगिंग भी बंद हो गई है तीसरा जो बेनिफिट है वो ये बेनिफिट है बेसिकली इसमें इनवैलिड वोट्स डिक्रीज हो गए पहले इनवैलिड वोट्स बहुत जाते थे लोगों को पता नहीं रहता था कहीं भी अनशन डाल दिया बार बार डाल दिया इधर उधर डाल दिया कुछ नहीं डाला है ना अब जो है इस कारण से इनवैलिड वोट्स बहुत कम जाते तो ईवीएम और वी पैट जो है बहुत ज्यादा और वी वीपैट के आ जाने के बाद तो सिस्टम और ज्यादा फुल प्रूफ हो गया क्यों क्योंकि अब आप यह भी देख सकते हैं कि आपने किसको वोट दिया दोबारा रीचेक कर सकते हैं ना तो और ज्यादा फुल प्रूफ बन गया है सिस्टम तो आप इस पर फालतू शक ना करें और कैंडिडेट्स को भी चाहिए कि वो ज्यादा र्यूमर्स ना फैलाएं और जैसा चल रहा है सिस्टम चल रहे नहीं तो ऐसा तो कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा नाउ द आर्टिकल इज ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन करप्शन एंड वेदर लोकपाल एंड लोकायुक्त विल बी एबल टू डी विद इट और नॉट ओके तो ये जो आर्टिकल है, ये करप्शन के ऊपर है अब आप सबको पता है कि अभी लोकपाल जो हमारे कंट्री के पहले ऑम्बुट्स मैन हैं वो उनका अपॉइंटमेंट हुआ पी सी घोष पिनाकी चंद्र घोष इनका नाम ये है और इनको बनाया गया पहला लोकपाल लोकपाल आने के बाद क्या वो एक मैजिक वॉन्ड लेके आया है क्या वो जादू की छड़ी लेके आया है जो करप्शन कम कर देगा ऐसा बिल्कुल नहीं आर्टिकल में बोला गया ऐसा नहीं है ये सब डिपेंड करेगा कि ये जो बॉडीज़ हैं वो कोऑर्डिनेट कितने अच्छे से कर रहे हैं कौन कौन सी बॉडीज़ सीवीसी सीबीआई और लोकपाल देखो तीन बॉडीज मेन है जो कि करप्शन के लिए काम करेंगी एक है सीवीसी यानी जो कि चीफ विजिलेंस कमीशन है दूसरा है सीबीआई जो की, जो कि कि चीफ ब्यूरो ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तीसरा है, है लोकपाल तो अब इन तीनों के कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करेगा कि करप्शन कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा आप एक बॉडी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता ऐसा होता ना सुना होगा आपने कहावत तो अकेला चना कुछ नहीं कर पाता आपको एक हाथ से ताली नहीं बजेगी आपको अलग अलग बॉडीज में पूरा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना पड़ेगा प्रॉपर कोऑपरेशन होना पड़ेगा और हर एक बॉडी को उतना ही एफिशिएंट काम करना पड़ेगा तभी जाके कहीं कही कहीं आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करप्शन का लेवल कम होगा अदरवाइज आप बॉडीज बनाते रहो आप अपॉइंटमेंट करते रहो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला आपको एक बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा आपको एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा सो दैट इज इज वॉट हैज इन दिस आर्टिकल पूरी चीज में डिस्कस की गई है आज जो पोल कॉल में हम सीखेंगे वो है ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर कौन होता है अब देखो ऑब्जर्वर एक ऑफिसर होता है गवर्नमेंट का जिसको नॉमिनेट कौन करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एन ऑब्जर्वर इज एन ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट विच इज नॉमिनेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू वॉच द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन अ कंस्टिट्यूंसी या फिर एक ग्रुप ऑफ कंस्टिट्यू ये बुरे दो फैक्ट याद रखेगा इसको नॉमिनेट कौन करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है ये क्या देखता है ये या फिर एक ग्रुप ऑफ कंस्टिट्यूएंसी पर निगाह रखता है निगरानी रखता है और ये रिटर्निंग ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकता है कि आप काउंटिंग बंद कर दो आप रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करेंगे ये सारी चीज़ें एक पावर होती है ऑब्जर्वर के पास ऑब्जर्वर चाहे तो डिक्लेयर कर सकता है कि आपको रिज़ल्ट नहीं काउंट करने हैं नाओ या फिर आपने अगर काउंटिंग कर ली तो अगर उसको लग रहा है कि यहाँ पर रिगिंग हुई है यहाँ पर गलत काउंटिंग हुई है सब कुछ ऐसा कुछ कुछ भी ऐसे धांधलेबाजी हुई है तो ऑब्जर्वर के पास ये पूरी पावर है कि वो स्टॉप कर सकते हैं वहाँ के रिजल्ट डिक्लेरेशन भी तो ये आपको बात याद रखनी है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ट का मैंने आपको बता ही दिया कि ये प्राइवेट वेदर फोरकास्टर है कंफ्यूज मत होना और क्या रीजन है बेसिकली जो एल नीनो मैंने आपको बताया था कि एलिनो रीजन है इस बार मानसून के कम होने का लानीना में मानसून से ज्यादा होता है नॉर्मल से ज्यादा बारिश होती है एलिनो में कम होती है याद रखना ना यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हैज अप्रूव्ड 2.6 बिलियन डॉलर चौपर सेल टू इंडिया तो एक चॉपर सेल हुई है अप्रूव

एफ एम एस यानी कि फॉरन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम को उसी ने यह टू पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर की डील को अप्रूव किया है नाम याद रखिएगा एमएस सिक्सटी आर सी हॉक हेलीकॉप्टर या फिर रोमियो uh, इसका नाम जो कोड नेम है वो है रोमियो एमएस सिक्सटी आर सी हॉक हेलीकॉप्टर याद रखेगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके चाइना ने ब्लॉक किया है अजर महमूद का केस ये तो आपको पता है वन टू सिक्स सेवन कमिटी का नाम याद रखेगा टू फोर सिक्स टू रिजोल्यूशन याद रखेगा जो कि टेरर फाइनेंसिंग पर आ गया है ये तीनों चीजों मैंने मैंने आपको एक साथ बता दी ये तीन फैक्ट ही आपको ध्यान में रखने है आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा है ना एनपीए के बारे में आ रहा है बार बार तो एनपीए के बारे में आपको बताता दूँ व्हाट इज एनपीए इसको फुलफॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट अब याद रखना देखो सिंपल सी बात याद रखना अगर 90 दिनों तक आपने इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल जो मुद्दल होती है अगर आपने वो नहीं पे पे की है इफ़ यू हैव नॉट रिपेड दैट इंटरेस्ट या फिर आपने वो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रिपे किया है टिल 90 डेज देन दैट अमाउंट बिकम्स एन वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है याद रखेगा नब्बे दिन टाइम याद रखेगा लेकिन एग्रीकल्चर के टर्म्स में जो होता है वो क्रॉपिंग सीजन में होता है जैसे कि फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है अगर उसका आपने लोन यानी कि इंटरेस्ट या पेमेंट इन प्रिंसिपल आपने दो क्रॉप सीजन तक नहीं किया मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में दो क्रॉप सीजन और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स में एक क्रॉप सीजन तक अगर आपने नहीं किया है ड्यू रह गया तो वो एनपीए हो जाता है एग्रीकल्चर के केस में और अगर आपने नॉर्मल अमाउंट ली है नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए तो नब्बे दिनों तक अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट या वो नहीं किया है प्रिंसिपल uh, अमाउंट तो फिर वो एनपीए कहलाता है दैट इज ऑल्सो थिंग विच यू नीड टू रिमेबर सेक्शन आगे मूव करते हैं यहां पर नहीं आई है स्पोर्ट्स जी सर्विस बीटिंग यूएस एंड चाइनाटेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साउथ कोरिया विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कमर्शियली लॉन्च फिफ्थ जनरेशन सर्विसेज याद रखेगा विश्व में पहली कंट्री कौन सी बन गई है जो कि फिफ्थ जनरेशन सर्विसेज को स्टार्ट करेगी वो है साउथ कोरिया तो साउथ कोरिया लॉन्च करेगा पहला ऑफिशियल मतलब एक तरीके से कि फिफ्थ जनरेशन सर्विसेज को लॉन्च करने वाली कंट्री कौन सी है साउथ कोरिया याद रखेगा और सैमसंग जो है साउथ कोरियन कंपनी आप सबको पता ही है सैमसंग जो है वो साउथ कोरियन कंपनी है यह भी याद रखेगा है ना ब्लीचिंग हिट्स वर्ड्स सदन मोस्ट कोरल रीफ्स तो ब्लीचिंग आप सबको पता है कोरल ब्लीचिंग क्या होता है देखो को, कोरल के अंदर क्या होता है जूज एंसिले नाम का उसमें ऑर्गेनिजम होता है जिसके अंदर जो कलर प्रोवाइड करता है और आपको पता है कि वो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं वो उसको फूड प्रोवाइड करता है वो उसको अच्छा लुक प्रोवाइड करता है पर क्या होता है कभी कभी जो इनका जो कोरल्स के जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होती है मतलब कि इनको एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए जैसे कि 27 डिग्री का टेम्परेचर इसमें इनके लिए प्रॉपर माना जाता है एक प्रॉपर टेम्पेचर चाहिए पानी कैसा चाहिए साफ चाहिए क्लीन चाहिए कोल्ड चाहिए या ऐसा चाहिए मतलब समझ लो ना कुछ कंडीशनस हैं प्रॉपर अगर वो कंडीशन चेंज होंगी अगर सपोज पानी पॉल्यूटेड हो जाए ज़्यादा पॉल्यूशन आ जाए तो वो फिर कोरल्स वहां पे सरवाइव नहीं कर पाते और खोता क्या है कि जो जूज एंथले हैं वो छोड़ देते हैं उन कोरल्स को पॉलिप्स को उन पॉलिप्स को छोड़ देते हैं और फिर वहां पे कलर हीन हो जाता है दैट कलर गोज अवे जब ये कलर वैनिश हो जाता है तो प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीचिंग दिस प्रोसेस ऑफ गोइंग शेडिंग अवे ऑफ दिस कलर इज नोन एज ब्लीचिंग ये कहलाती है ब्लीचिंग अब यहाँ पे वर्ल्ड के जो सदरन मोस्ट कोरल्स हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस कोरल्स हैं यहाँ पे एक नाम है होव लॉर्ड होव आइलैंड एच ओ डब्ल्यू ई लॉर्ड होव आइलैंड याद रखेंगे सिडनी के आसपास है 600 किलोमीटर ऑफ सिडनी है अब 600 किलोमीटर आसपास तो नहीं है लेकिन सिडनी के आसपास सिडनी हमारी ऑस्ट्रेलिया की सिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत फेमस सिटी है याद रखेगा और ग्रेट बेरियर रीफ क्विंसलैंड बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है ग्रेट बैरियर रीफ क्विंसलैंड ऑस्ट्रेलिया याद रखेगा बहुत ज़्यादा फेमस ये बेरियर रीफ है इन सब जगहों पर हम को ब्लीचिंग देखने को मिल सकते हो सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू लाइक आर वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब कीप लविंग एस कीप शेयरिंग शेरिंगस एंड थैंक यू हैव अ नाइस डे